आमिर खान छोड़ेंगे गुलशन कुमार की बायोपिक, क्या है मीटू का असर? आमिर खान ने बॉलीवुड में मीटू कैंपेन के तहत सामने आ रहे यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। आमिर ने खुद को गुलशन कुमार के बायोपिक मोगल से अलग कर लिया है। आमिर खान मोगल को प्रोड्यूस करने जा रहे थे। आमिर खान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में किसी ने इस बात पर और ध्यान दिलाया कि वो अपनी अगली फिल्म में जिसके साथ काम करने जा रहे हैं उस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जांच करने में पता चलेगा कि ये केस कानून के अधीन है। उन्होंने कहा कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है और ना ही हम किसी पर कोई जजमेंट दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिना किसी को जज किए खुद को इस फिल्म से अलग कर रहे हैं। हालांकि आमिर खान ने पूरे स्टेटमेंट में उस फिल्म का जिक्र नहीं किया जिससे वो खुद को अलग कर रहे हैं, ना ही उस डायरेक्टर का नाम लिया। आपको बता दें कि आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज के बाद मोगल पर काम शुरू करने वाले थे, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर ने मोगल से खुद को अलग किया है। मोगल का डायरेक्शन सुभाष कपूर करने वाले हैं। वहीं आमिर खान के स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टर सुभाष कपूर ने कहा कि मैं आमिर और किरण राव के निर्णय का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि ये मामला अदालत में चल रहा है जहां वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। बता दें कि 2012 में एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने सुभाष कपूर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इससे संबंधित एक वीडियो में सामने आया था। इस वीडियो में गीतिका सुभाष को थप्पड़ मारते हुए दिख रही थी। उस दौरान ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। गीतिका त्यागी की शिकायत के बाद सुभाष कपूर को गिरफ्तार किया गया है और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। आमिर और उनकी पत्नी किरण राव बुधवार को प्रोड्यूसर्स गिल्ड से मिले जहां उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा संबंधित एक मजबूत नीति बनाने के बारे में बात की। इसके बाद आमिर ने ट्विटर पर एक बयान जारी किया जिसमें वो अपने प्रोडक्शन की पॉलिसी और अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं।